अच्छा चमक रहा है। तो कई लोग ये इस तरह लाइट देखते हैं या ट्यूबलाइट देखते हैं या झूमर वगैरह देखते हैं तो फिर बहुत अच्छा कहते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा घूम रहा है, इसमें कलर कितनी अच्छी, इसमें चमक कितना है ना, इसने देखो पूरे सब लोगों को आकर्षित कर लिया है, ये सर के ताज बन गए हैं, इनके पास कितने सारा राज है। पर जिसको ज्ञान है ना वो पता है क्या सोचता है कि इसके पीछे कुछ और है। अगर इसका आप कनेक्शन काट दोगे ना इसकी वैल्यू रहेगी क्या? तो हमारे घर में जितने भी सुंदर सुंदर लाइट हो, बल्ब हो, पंखे हो, भले ही देखने बहुत अच्छे लगते हो लेकिन उसके अंदर से एक एनर्जी आ रहा है, एक संचार आ रहा है। तो उस एनर्जी, उस संचार को ना हमें नमन करना चाहिए। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं आप सबके लिए भी कह रहा हूँ। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे अंदर बहुत कुछ है, किसी के द्वारा दिया गया पावर है। अगर वो आज कट जाए, आज अगर इस्कॉन का तार कट जाए ना, वो कोई ना पूछने वाला है। और कई लोग हमने देखे हैं ऐसे जो हमसे तेज हैं और बहुत अच्छे हैं और हर मामले में निपुण है, गाते भी अच्छे हैं, बजाते भी अच्छे हैं, मैनेजमेंट भी अच्छा कर, सब कुछ करें, एक्चुअली कहीं के नहीं रहे क्योंकि उनसे प्रभात कनेक्शन खत्म हो गया, इस्कॉन कनेक्शन खत्म हो गया, भक्ति कनेक्शन हो गया, भगवान से कनेक्शन खत्म हो गया है ना। तो ये यहाँ पर इसलिए चमक रहा है क्योंकि ये पावर हाउस से कनेक्टेड है, थर्मल पावर से कनेक्टेड, जहाँ से बिजली का उत्पादन हो रहा है, यानी किससे कनेक्टेड है। तो हम सब जो है भगवान को धन्यवाद हमें देना चाहिए कि भगवान की ऐसी कृपा है कि उन्होंने हमारे ऐसे गुण दिए हैं। प्रभुपाद जी की कृपा है जिन्होंने क्या किया कि इस प्रकार से तराश दिया है भक्तों को। हम लोग क्या करते हैं, वी सिंपली ट्राई टू रिपीट दी वर्ड्स ऑफ अवर प्रेडिसेसर आचार्य। पुराने भक्तों का हम गुणगान करते हैं और उनकी जो बातें हैं उसको बस हम रिपीट करते हैं। तो यही हम लोग का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी बर्थडे सेलिब्रेशन में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारा कोई गुण नहीं होता, और अगर आप किसी को बोल रहे हो इस तरह से मतलब समझ लो कि बहुत भारी आप उसको रिस्क में डाल रहे हो, है ना, क्योंकि एक्चुअली कोई गुण नहीं होता। और हम हमारे अंदर जो मिथ्या अहंकार है सबसे बड़ा होता है, और इस तरह सुनने के बाद फिर वो पांव जमीन पे नहीं रहता। और जो जितना गुणगान करता है ना वही उतना गाली भी देता है। आज आप लोगों ने जितने लोगों ने सबसे ज्यादा बोला, जितना बढ़िया बोला है ना, उससे एक दिन विश्व सुनने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ये प्रकृति के नियम है, आपको जो जितना प्रिय है ना वो उतना ही शत्रु का रोल भी अदा करेगा। इसलिए अच्छा है कि हम कुछ भी भगवान के रेस्पेक्ट में सुने, भगवान को केंद्र के सुने, नहीं तो फिर हमारा जो मूल मकसद है उससे भटक जाएंगे। तो इस प्रकार के ग्लोरिफिकेशन वगैरह बहुत हानिकारक होता है, आप जहाँ तक हो सके बचने का प्रयास करें। हरे कृष्ण।